सो हेलो आईटी फैमिली, वेलकम करते हैं आप सब लोग का एक और एपिसोड टेक की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ नोबल अकाउंट्स। तो मैं नोबल अकाउंट्स में आपको बता दूंगा कि कैसे आप गिल्ड को क्रिएट कर सकते हो आप लोग, ठीक ना गाइस। गिल्ड के नाम, अगर आप गिल्ड क्रिएट कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड नेम, ठीक ना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम, इस टोटली आपको सोल्यूशन बताऊंगा। उसके अंदर स्पेस कैसे डालोगे, टोटली आपको गिल्ड में आप जैसे लिखते हो ना कुछ नाम, तो गिल्ड में स्पेस नहीं डालाता है, तो पूरा का पूरा आपको सिखाऊंगा स्पेस कैसे लगा सकते हो पूरा डिटेल के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देते फ्रेंड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, सबसे पहले तो इस आईडी में मैं एक गिल्ड में हूं, तो इसको गिल्ड में से निकालता हूं सबसे पहले, तो ठीक ना। यहां पर देख सकते हो मैं गिल्ड को, अब ऐसे गिल्ड को निकालने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या जरूरत पड़ती है, मतलब कुछ जरूरत नहीं पड़ती आपको कैसे गिल्ड निकालना है। तो आपको मेंबर में आ जाना है। मेंबर में आने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एग्जिट गिल्ड, ठीक ना, यहां पर नीचे के साइड, ठीक। यहां पर देख सकते हो कंफर्म टू लीव गिल्ड, से तो मैं गिल्ड से लीव हो चुका हूं। अब चलिए गिल्ड को बनाना सिखाते हैं। उसके लिए आपको 5000 कॉइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो गाइस यहां पर देख सकते हो 5000 कॉइन यहां पर क्रिएट पर गिल्ड पर क्लिक कर देना है। क्रिएट गिल्ड पर आपको देख सकते हो 5000 कॉइन, नहीं तो 1000 डायमंड आपको लगेगा। तो गाइस सबसे पहले गिल्ड क्रिएट करने के लिए बाकी सब तो यहां पर क्रिएट गिल्ड पर क्लिक कर ही देना है, ठीक ना। क्रिएट गिल्ड करने के बाद यहां पर रीजन सिलेक्ट करना है, जो कि अपना इंडिया है, ठीक ना, इंडिया, बिहार। इंडिया में आप कहां से हो, तो गाइस मैं बिहार से हूं, तो बिहार पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक। स्टाइल को डिफॉल्ट करना चाहो कैजुअल या रैंकिंग, आप मतलब अगर आप रैंक प्रेशर हो तो रैंकिंग आप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। आप ऑटो रखना चाहते हो, अप्रूवल रखना चाहते हो, तो गाइस अप्रूवल रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके मतलब सब आपके एक्सेप्ट करने से ही आप अगर आप लेना चाहते हो किसी को गिल्ड में, वो कर दो। और ऑटो रखोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा रैंक में आपको ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा, ठीक ना। तो गाइस अप्रूवल कर दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। स्लोगन में आप लोग कर देना वेलकम या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक ना। गाइस मैं वेलकम लिख देता हूँ, ठीक ना। वेलकम ऐसे लिखने के बाद नीचे के साइड गिल्ड नेम बोल रहा है, ठीक ना। तो गाइस ये है नेम, आपको 3 से 12 अक्षर के बीच में आपको रहना है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक। गाइस सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर आ जाना है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हो मैंने गिल्ड को नाम को कॉपी कर रखा है और पेस्ट मैंने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो बीच में स्पेस लगा है, ठीक ना। रसर बॉय के बीच में यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक। मैंने ये कैसे किया, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। इसके लिए आपको एक स्पेस की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। स्पेस बीच में इनवैलिड मतलब इनविजिबल स्पेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आप जो सोच रहे हो ना, वो मतलब स्पेस नहीं है, बल्कि ये नाम मतलब एक कोड है, ठीक। समझो कि लेटर है, इनविजिबल लेटर है, ठीक ना। वो आपको लेटर दिख नहीं रहा है, बट वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, तो जो कि समझो कि स्पेस ही है। इसको करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक ना। वहां से आप जाकर, ठीक ना, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे, लिंक पर आपको क्लिक करने के बाद या फिर यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो गूगल पर फ्री फायर नेम स्पेस, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हो तो आप लोग को सेकंड वाले लिंक पर आएगा फ्री फायर मैनिया, ठीक ना। मतलब ये देख सकते हो यहाँ पर इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक ना, ये वाला, ठीक ना। लार्ज इनविजिबल स्पेस मतलब बड़ा स्पेस, छोटा स्पेस, स्मॉल इनविजिबल स्पेस, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला छोटा वाले को कोड को कॉपी कर देना है और किसी भी बीच के जहाँ स्पेस लगाना है वो आपको लगा देना है, ठीक। सब कॉपी कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लेके आ जाएगा, ठीक ना। डायरेक्ट आपको नीचे करके स्मॉल वाला पर कॉपी कर लेना है। गाइस देख सकते हो यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक ना। गिल्ड क्रिएट कर रहे हो ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पर देख दो गिल्ड नेम ऑलरेडी एग्जिट, ठीक ना, ये वाला लिखा हुआ आ रहा है गिल्ड नेम ऑलरेडी एग्जिट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इस नाम से ऑलरेडी एक गिल्ड बना हुआ है। आप लोग को अलग नेम सिलेक्ट करना है, कुछ उसमें आप डिफरेंट कर देना, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर आर्मी है तो आर्मी एस लगा दोगे, एच लगा दोगे, तो गाइस ऐसे हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक ना। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपी किया था वो चुपचाप लिख देता हूँ। और कुछ कॉपी करने के लिए आप लोग कुछ मतलब कुछ भी कॉपी भी कर सकते हो, ठीक ना। कहीं से आप कॉपी करके आप अच्छी तरीके से पहले नाम लिख देना है कहीं और उसको कॉपी करके यहाँ पर लिख देना है। तो देख सकते हो गिल्ड नेम इस नाम से भी गिल्ड बना हुआ है ऑलरेडी। रसर बॉय को कट करके यहाँ पर आयुष के जगह पर लग देते हैं, रसर भाई करके लिख देते हैं, ठीक ना। देख सकते हो यहाँ पर रसर भाई मैंने लिख दिया और यहाँ पर बनाते हैं, तो देख सकते हो रसर भाई ऑलरेडी बन चुका है गिल्ड, जिसका ऑनर है बिट्टू यानी कि मैं, ठीक ना। यहाँ पर रसर भाई करके गिल्ड है, यहाँ पर देख सकते हो बन चुका है, ठीक। ऐसे स्पेस लगा सकते हो, ऐसे सब चीज कर सकते हो, मैं आपको सारा चीज बता दिया बस। और आज के लिए इतना ही, और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो जैसे गिल्ड एग्जिट, गिल्ड का ऑफिसर कैसे बने, कुछ भी चीज आपको प्रॉब्लम आ रही हो गिल्ड में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।